अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे कहते हैं मोहम्मद कादर और परफेक्ट टीच ग्रुप ऑफ अकेडमी की जानिब से एक और बहुत अच्छी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी नाज़रीन, आज भी हम एक और अच्छी जॉब के हवाले से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो बगैर वक्त दया किए, ये मैंने पहले से ही खोल रखी है NTS की वेबसाइट, तो आपने गूगल पे जाके NTS लिखना है सिर्फ, तो ये ओपन हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ अपकमिंग टेस्ट, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं और जल्दी जल्दी आपका ताकि वक्त दया ना हो और इसको ले चलते हैं। सॉरी, ये कुछ और ओपन हो गया और ये ओपन हो गई है। तो यहाँ पर आते हैं हम, ये नंबर 10 पे इसको देखते हैं, दिखा देते हैं आपको। जो 10 नंबर पे लिखा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सैदू शरीफ सवात, तो यहाँ से इसको हम क्लिक करते हैं। ये देख लें, इसकी 6 दिसंबर लास्ट डेट है, ठीक है। यहाँ इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास का एडवर्टाइज डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। एडवर्टाइज डाउनलोड हो गया, हम इसको ऊपर देखते हैं तो 2016 की कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है। तो ये उन्होंने लिखा है सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, और नीचे भी वही लिखा हुआ है सेकंड वेब एडमिनिस्ट्रेटर, वेब एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी BP16 है, और नीचे भी कंप्यूटर में महारत ये रखता हो, ये भी BP16 है। BA इसके लिए PA चाहिए, ठीक है। तो किसी भी सलीमशुदा यूनिवर्सिटी से सेकंड क्लास मास्टर डिग्री, तो तीनों मास्टर डिग्री की जो जॉब्स हैं वो आपके लिए मौजूद हैं। ये नीचे काफ़ी सारे इसकी शराइत लिखी हुई हैं, ये आप इसको तफसील से पढ़ लीजिएगा। 460 रुपये इसकी टेस्ट फीस है, जो HBL या ABL में आपने जमा करवानी है, ठीक है। बाकी ये नीचे एड्रेस भी लिखा हुआ है ये काफ़ी सारा। तो यही आपकी हमारी आपके लिए वीडियो थी, और अभी हम आपको दिखाते हैं इसके लिए आपने तैयारी कहाँ से करनी है। ये देखें, कंटेंट्स रजिस्टर डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, और ये जो पहली जॉब थी कंप्यूटर BP16 के लिए, उसके लिए ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है क्या क्या कुछ चाहिए आपको, और इसी तरह दूसरे के लिए भी, और PA के लिए, ये सब अलग वेब एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी है और तीसरे के लिए भी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके लिए गाइडलाइन मौजूद है कि आपने क्या क्या चीज़ तैयार करनी है और कितने कितने नंबर की यहाँ पर मौजूद है, ठीक है जी। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने ख्यालात से। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ, फी अमान अल्लाह।